आदाब सराय पंजाल में आपका खैर मकदम। दिन भर की खास खास सुर्खियों के साथ मैं आमना अख्तर। आइए डालते हैं दिन भर की खबरों पर एक नज़र। जिला पुंछ के सत्तारा से एक महीना पहले 14 साल बच्चा हुआ लापता, कुंभा ने इंतजामे से मदद के लिए की अपील। कश्मीर के प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को किया गया बंद, एसओपी की कर रहे थे खिलाफ अर्जी। तेलंगाना में आया बड़ा सैलाब, सैलाब की वजह से 94,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जेएनयू के साबिक तलबा रहनुमा उमर खालिद ने अदालत से कहा कि मुझे तनाई में जैसे कैद कर दिया गया है। पुंछ के कस्बा केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, किसी भी जानी नुकसान की नहीं है खबर। बिहार इंतखाबी रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हमला, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस करना चाहती है अपोजिशन। मंडी तक बफलिया सड़क की खस्ता हाली, आवाम ने इंतजाम से किया नाराजगी का इजहार, कहा जल्द ब्लैक टाइपिंग की जाए। जब तक इंतजामिया कोई जवाब नहीं देता तब तक होते रहेंगे फसाद, मौलाना अरशद मदनी। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 53,370 नए मामले किए गए दर्ज, इसी के साथ मुतासरीन की तादाद 78 लाख से मुतजाविज। महंगी प्याज पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, अब बाजार में ऐसे ही फरोख्त होगी प्याज। कश्मीर के जिला शुपियां के स्कूल जामिया सिराजुल उलूम से 3 उस्तादिया गिरफ्तार, जंगजू के साथ ताल्लुकात का इल्जाम। बीजेपी की कॉल, कहा महबूबा मुफ्ती के नए बयान से लोगों में अफरा तफरी, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। शुमाली कश्मीर के सोपोर जिला में फोर्सेज की तरफ से चलाया जा रहा जंगजू का तलाशी अभियान, इलाके में जंगजू छुपे होने की मिली थी खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेंढर के इलाका हरनी में करवाया डिबेट कंपटीशन, जिसका मौजूद था रूल ऑफ पुलिस इन नेशनल बिल्डिंग। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सदाई पंजाल, नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ देके घंटी के बटन को जरूर दबाइए।